हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बनाएंगे कच्चे आम की रसीली तार सब्जी। ये देखो सब्जी मेरी बनी हुई, एक बार मैं दिखा देती हूँ। तो लॉकडाउन में गाइस मेरे पास अभी कुछ भी नहीं था आज घर पे, तो ये देखो मेरे घर पे आम का पेड़ है, जिससे मैंने सोचा कि क्यों ना हम ये आम तोड़ें और इनसे सब्जी बनाई जाए। तो गाइस सिर्फ दो इंग्रेडिएंट से आज मैं इतनी रसीली मज़ेदार सब्जी बनाएंगे हम। तो ये देखो मैंने आम अपने पेड़ से कच्चे आम ये मैंने तोड़ लिए हैं, इकट्ठे कर लिए हैं, ये सफिशिएंट हो गए हैं मेरे पास। ये देखो ऐसे ऐसे लगता है आम। तो गाइस ये मेरी बास्केट में आ गए हैं सारे आम। तो सबसे पहले सब्जी या बनाने के लिए मैं इन्हें क्या करूँगी पानी से हम अच्छे से वॉश कर देंगे। ये देखो मिष्टी भी साथ में आ गई है हेल्प कराने के लिए, इसने भी ये मेरी आम तोड़ने में हेल्प कराई है। और ये अब ये देखो आपने इसकी आवाज़ सुनी होगी। तो गाइस ये देखो हमारे ये एक और मैंने आवाज़ आपको सुनने दी, ये थी कोयल की आवाज़, वही आम के पेड़ की वजह से हमारे घर में होती है। तो गाइस अब रेसिपी बनाने शुरू करते हैं। तो सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ले लिया है, स्टील की कढ़ाई है ये, इसमें सरसों का तेल और इसमें ये मैंने छौंक लगाया है जीरे की जगह मेथी का, मेथी दाने का। तो गाइस मेथी दाने का छौंक लगाने से क्या होगा, आपकी जो ये सब्जी है अच्छे से डाइजेस्ट होगी। बस मैंने अब आम को गुठली निकाल कर छोटे छोटे पीसेज में काट कर कच्चे आम के गर्मी में खाने के बहुत सारे फायदे होते हैं। कच्चे आम में क्या है, ऑक्जेलिक एसिड भी होता है, सिट्रिक एसिड होता है और इसमें विटामिन सी विटामिन बी बहुत ही भरपूर मात्रा में होते हैं और ये हमें गर्मी से भी बचाते हैं। तो गाइज अब हम तो आप भी ज़रूर अपने डाइट में गर्मी में विटामिन सी तो आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, तो ज़रूर ऐड करें अपनी डाइट में। तो गाइस अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ स्पाइसेस, और स्पाइसेस में सिंपल से हमें स्पाइसेस लेने हैं। स्वादानुसार मैंने नमक ऐड कर दिया है, ये मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी, और हम लेंगे धनिया पाउडर, और ये लास्ट में थोड़ा सा मैंने गरम मसाला पाउडर डाला है और दैट्स इट। ये देखिए गाइस इतनी, हाँ हरी मिर्ची भी मेरे पास सब्जी मेरे पास बिल्कुल ख़त्म हो गई, तो ये मैंने हरी मिर्ची की जगह इसमें डाल दी है ब्लैक पेपर। गाइस मेरे पास रेड मिर्ची तो मेरे घर में होती नहीं है, तो मैं रखती हूँ ब्लैक पेपर एक अल्टरनेटिव। और ये अब सारे स्पाइसेस डालकर अच्छे से मैं सब्जी को थोड़ा सा पहले तेल में भुनने दूंगी, इससे क्या होगा सब्जी का थोड़ा अच्छा टेस्ट आ जाएगा। ये जो आम है पूरे तेल में अच्छे से भुन जाएंगे, और अभी तेल में भुनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो गाइस जैसे आप खाना पसंद चाहें करेंगे, अगर आप थोड़ी सूखी सब्जी खाना पसंद करते हैं तो कम पानी ऐड करें, और अगर आप इसे और रसीली बनाना चाहते हैं बिल्कुल तरी वाली सब्जी बनाना चाहते हैं तो पानी थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड कर दें। मैं थोड़ी इसे अचार स्टाइल में थोड़ी मतलब थोड़ा सा होगा ताकि रस आ जाए, हम बिल्कुल ही ऐसे रखेंगे तो भी बन जाएगा ये अचार स्टाइल में, बट मैंने थोड़ा सा इसमें ऐड किया है पानी, हल्का हल्का, मतलब ना बहुत ज़्यादा ऐसे सूखी हो और ना ही मेरी बहुत ज़्यादा ऐसे तरी होगी, सूखी सी सब्जी बनेगी। तो गाइस ये सब पानी ऐड करके अब हम इसे ढक देंगे, और हार्डली 5 मिनट में 5 से 7 मिनट में आपकी सब्जी आराम से पक जाएगी। अब देखो मैं इसे खोल के देख रही हूँ, क्योंकि हमने छिलके इसके हटा दिए थे गाइस, थोड़ी बहुत स्किन कहीं दिख रही है क्योंकि मैं जल्दी जल्दी में साथ में मैंने सब्जी काटनी शुरू करने से पहले ही। और अब इसमें हम ये दूसरा इंग्रेडिएंट मेन डाल रही हूँ मैं, जैगरी। अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप इसमें चीनी भी डाल सकते हैं, बट गाइस मैं चीनी भी अवॉइड करती हूँ। अगर गुड़ नहीं है तो खांड या कुछ आप अच्छा ऑप्शन लें, क्योंकि आप सभी को पता है कि चीनी भी हमारी सेहत के लिए इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि वो बहुत रिफाइंड हो जाती है चीनी बनाते हुए, प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है गन्ने की। तो उससे बेटर है कि आप रो जैसे गुड़ में, इनमें कम प्रोसेसिंग हुई होती है, तो ये आपके हेल्थ को थोड़ा मतलब इतना नुकसान नहीं करते हैं, आप अच्छा अल्टरनेटिव लें चीनी का भी। तो गाइस ये मैंने देखो जैगरी इसमें ऐड करके अभी थोड़ी देर ये खुला ही पकने देंगे, जिससे जैगरी भी पूरी मेल्ट हो जाएगी और ये थोड़ी और दोनों अच्छे से सब्जी मिक्स होके पक जाएगी।
तो ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको पास से, ये सब्जी हमारी बनकर रेडी है। तो गाइस आप भी ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कैसी लगी। गाइस एक बार खाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी और आपको गर्मी से भी बचाएगी। तब तक देखते रहिए मेरा चैनल केसर की रसोई। बाय बाय।